आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान आज का जो है वो गठिया के बारे में है, किसी भी तरह के जोड़ का दर्द है उसके बारे में है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि गठिया एक आर्थराइटिस है जिसमें जोड़ों में असहनीय पीड़ा और दर्द महसूस होता है। आमतौर पर गठिया तब होता है जब खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है जिसके कारण दर्द और सूजन की समस्या शुरू हो जाती है। आजकल कम उम्र में बच्चे और युवा भी गठिया का शिकार हो रहे हैं, जबकि आमतौर पर ये रोग 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। गठिया के असहनीय दर्द को दूर करने के लिए हम कुछ घरेलू और आसान से उपाय आपको बता रहे हैं, आप उनको कीजिए, शर्तिया आपको फायदा होगा। सबसे पहला है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, बर्फ से सिकाई करें। गठिया के दर्द और सूजन को तुरंत कम करने के लिए आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े में बर्फ के टुकड़ों को रखें और इसकी पोटली बना लें। अब सूजन वाली जगह पर इस पोटली से 10 से 15 मिनट तक सिकाई करें, बर्फ आपके दर्द में तुरंत राहत देगी। अगला है, गर्म पानी और हल्दी का प्रयोग। गठिया के दर्द को दूर करने के लिए आप घर पर ही स्पेशल ड्रिंक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको गर्म पानी, नींबू का रस, एप्पल साइडर विनेगर और हल्दी की ज़रूरत है। हल्दी और नींबू का रस यूरिक एसिड घटाने में मदद करते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू कंप्लीट लें, उसका रस मिलाएं। अब इसमें एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। इस ड्रिंक को दिन में 2 बार पिएं, आपको गठिया से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। बात करेंगे मछली के सेवन की। मछली का सेवन करने से शरीर में सूजन की समस्या दूर होती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ मछलियों के सेवन से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा घटती है। हालांकि ट्यूना, सेरेडाइंस, एंकोबीच और कॉड आदि मछलियों में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बात करेंगे दर्द या सूजन वाले हिस्सों को ऊपर उठाना है। इसमें थोड़ा सा योग का आप तरीका आजमा सकते हैं। आमतौर पर गठिया का दर्द हाथ, पैर, घुटनों और टखनों में होता है। इस दर्द और सूजन को कम करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि आप उस अंग को ऊपर उठा लें जिस अंग में दर्द हो रहा है। अंगों को ऊपर की तरफ उठाने से उस अंग में पानी और दूसरे फ्लूइड्स का बहाव कम हो जाता है और हृदय की तरफ बहाव बढ़ने लगता है। इससे दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। अब एक लास्ट प्रयोग और बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी और हर्बल चाय पीनी है। ज़्यादा पानी पीकर भी गठिया के दर्द को कम किया जा सकता है। पानी ज़्यादा पीने से पेशाब के साथ आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। यूरिक एसिड भी शरीर के साथ टॉक्सिन जैसा है। जब आप भरपूर पानी पियेंगे तो आपकी किडनियां ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड को बाहर निकाल पाएंगी। इसके अलावा आप हर्बल चाय भी पी सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।